नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। मेरे दाई साइड है संध्या, लेफ्ट साइड है त्यागी जी, और सामने आपकी स्क्रीन पर है ना केवल राजस्थान, ना केवल केकेआर, बल्कि पूरे भारत का सुपरस्टार। सुपरस्टार ना केवल गेंदबाजी से, क्योंकि गेंदबाजी में तो उनकी आपने बहुत सारे कमाल की चीजें देख रखी होगी, लेकिन फील्डिंग, फील्डिंग इनकी एक ऐसी चीज है जिससे इन्होंने करोड़ों दिल जीते हैं। तो सामने हमारे हैं कमलेश नागरगोटी, राजस्थान से हैं, अब तक केकेआर से खेलते थे, अब आगे कहां जाना चाहते हैं ये भी पूछेंगे, और किस्मत कहां ले जाती है ये तो देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले कमलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कमलेश भाई, पहला सवाल मेरा यही है कि केकेआर में आपने बहुत साल बिताए हैं, कैसा रहा सफर? क्योंकि इस दौरान टीम का सफर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भी रहा, और मतलब माहौल केकेआर के बारे में आप कैसे कहेंगे? अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो मैं इनको एक तरीके से फैमिली की तरह आपको बताऊंगा कि मेरे लिए एक तरीके से फैमिली है वो टीम। जितना ही मैंने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और जितने प्लेयर से मिला, स्टाफ जो थे हमारे उनसे मिला, काफ़ी अच्छा टाइम था, काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, और ऐसा था कि मैं वो एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जब मैं इंजर्ड था तो उन्होंने मुझे बैक किया और मुझे खिलाया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले मैं मैचेस भी नहीं खेल रहा था, बट उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया, उस चीज़ के लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और हमेशा मैं उनके लिए थैंकफुल रहूँगा कि उन्होंने इतना मुझे बैक किया। बिल्कुल कमलेश भाई, देखिए 2018 के T20 वर्ल्ड कप के आप हीरो थे, किस तरह से आपकी रफ्तार के सामने दुनिया भर के जो खिलाड़ी थे वो बेबस नजर आते थे, 150 की रफ्तार की शायद आपने एक गेंद भी डाली थी जो चर्चा का विषय बनी थी, और उसके बाद में आप भारत के मतलब तमाम क्रिकेट फैंस के एक तरीके से हीरो बन गए थे, और केकेआर ने आपको फिर मौका दिया। दिनेश कार्तिक के आप, मैंने पढ़ा है आपके बारे में, बड़े फेवरेट थे, राहुल द्रविड़ आपको बहुत सपोर्ट करते थे, तो कैसे शुरुआत हुई मतलब केकेआर के साथ, थोड़ा सा बताइएगा। शुरुआत तो ऐसा था कि मतलब जब हम वर्ल्ड कप हमारा चल रहा था, तो हमारा मैच था पाकिस्तान से, मैच था हमारा क्वार्टर फाइनल, तो उस टाइम पे ऑक्शन भी चल रहा था, हमारी मीटिंग्स भी चल रही थी, तो ऐसा था कि सर ने ऐसा बोला था कि कोई भी ऑक्शन नहीं देखेगा, और क्योंकि अभी हमारा पूरा वर्ल्ड कप बचा है, जो मेन मैचेस हैं वहीं से स्टार्ट होने वाले थे हमारे, तो सर ने मना किया था कि कोई भी ऑक्शन और इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा कि मैं कितने में मतलब मेरे को कौन सी टीम ने लिया है, ये सब चीज़ें अगर माइंड में आपके आ गई तो फिर आपके जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसको आप मतलब वो इतने आप मतलब सही से नहीं खेलोगे और इतने पर्सनल नहीं लोगे, तो उस हिसाब से आप उस इस चीज़ को देखना, तो वो चीज़ थी कि हमको द्रविड़ सर बहुत सारी चीज़ सिखाते थे उधर की, अगर आपको क्रिकेट में ध्यान देना है तो आपको इस हिसाब से रहना पड़ेगा, और इतने मतलब वो चीज़ थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था आईपीएल के टाइम में जब भी था तो, पर मुझे केकेआर ने बाय किया था, मुझे बाद में जाके ये चीज़ पता चली क्योंकि हमने ऑक्शन देखा नहीं था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जब मैं फर्स्ट टाइम केकेआर में गया तो मैं सबसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद ये था कि अनफॉर्चुनेट मैं नहीं खेल पाया, बट फिर भी जब मैं नेक्स्ट टाइम खेला तो उन्होंने मुझे बैक किया, तो वो काफ़ी अच्छा टाइम था मेरे लिए। अच्छा, इस बात में कमलेश कितनी सच्चाई है कि मतलब ये वाला किस्सा हमें पता है कि राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया था कि ऑक्शन कोई नहीं देखेगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने मोबाइल को भी साइड में रखने के लिए बोल दिया था? हाँ, ये सच है, क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी तब, तो उन्होंने और ऑक्शन तब चल ही रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई भी फोन नहीं रखेगा अपने पास में, क्योंकि ऐसा था कि जितने भी प्लेयर्स थे सब अपना देख रहे थे, तो सबने सर ने बोला कि कोई भी फोन यूज नहीं करेगा अभी, जो आपको करना है वो बाद में करना। अमरीश नागरकोटी जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी पहले आसान से सवाल है कि आपकी आईपीएल की तैयारी कैसी चल रही है? आईपीएल की काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी हमने टूर्नामेंट्स खेले हैं, सैयद मुश्ताक अली खेली, उसके बाद विजय दारे खेली, तो जो प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू हो रही है, जो भी हमको जो भी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है, तो अभी तक तो काफी अच्छा चल रहा है। कमलेश जी, आपको आपकी आईपीएल की तैयारी के लिए, सर आवाज आ रही है? एक सेकंड। तो विक्टर जी से मेरा यही क्वेश्चन है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे चीजें पूछनी है, आप स्मार्ट तो हो, फेमस भी हो,
बिल्कुल ही बोलूंगी तो ठीक है, आपका शादी करने का क्या विचार है, अरेंज मैरिज करोगे या लव मैरिज? अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा कि उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है, तो इस चीज के बारे में इतना मैंने नहीं सोचा है, बाकी जो होगा आगे लाइफ में नो आइडिया। जी बिल्कुल, और कमलेश मैं आपको फिर से वर्ल्ड कप के बाद लेके जाऊंगा। देखिए वर्ल्ड कप बहुत शानदार गया था, आपकी और शिवम बाबी की जोड़ी की पूरे भारत में चर्चा हो रही थी कि दो शानदार गेंदबाज तेज गेंदबाज मिले हैं, लेकिन उसके बाद आपकी चोट इतनी गंभीर थी कि सिर्फ मतलब आईपीएल ट्रैक मेहनत कितनी लगी है हम जानते हैं, एनसीए में आपने कितना समय बिताया है हमें पता है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर और आप खिलाड़ी हैं देखिए, लेकिन है तो युवा खिलाड़ी है, अभी क्रिकेट करियर आपका स्टार्ट ही हुआ है, तो वो चोट कितनी, आपकी इंजरी कितनी फ्रस्ट्रेटिंग थी, कितना आपको मतलब अंदर से बुरा लगता था कि यार ये मेरा पीक टाइम है और इस समय मैं इंजर्ड हो गया? काफी बुरा लग रहा था क्योंकि जो मेरे साथ के प्लेयर्स थे सारे खेल रहे थे, और बस ये था कि मेरे भी माइंड में यही चल रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं कब खेलूंगा, क्योंकि सबका ड्रीम होता है और मेरा भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं आईपीएल खेलूं, क्योंकि जब भी मैं खाली रहता था कुछ भी रहता था पहले के मैचेस आते थे वो मैं देखता था, तो ऐसा था कि कब मुझे मौका मिलेगा कब मैं खेलूं, बट ठीक था मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ सीखी है नो कि कब ऐसा होता है कि क्या चीज़, फिर उसका अब जब आपकी इंजरी हो जाती है तो आपको पता होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम कैसे रहना है, कितना आपको अवेयर रहना है हर चीज़ से, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, जो सीनियर्स प्लेयर्स थे उनसे भी बहुत सारी बातें हुई मेरी, और द्रविड़ सर थे उनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई इस चीज़ के ऊपर, तो था कि उस चीज़ के ऊपर मुझे आइडिया लगा, वो चीज़ मैंने सीखी, मुझे एक्सपीरियंस मिला उस चीज़ का, तो वो काफ़ी अच्छा था, तो वो चीज़ मैं एक तरीके से पॉजिटिव में भी ले सकता हूँ कि अगर मेरी इंजरी हुई थी तो मैं क्या चीज़ वहाँ से सीख के गया हूँ और मुझे आगे क्या चीज़ करनी है। बिल्कुल कमलेश भाई, देखिए सीखने की आप बात कर रहे हैं तो देखिए आप एक होनहार गेंदबाज हैं तो सभी को पता है आपके पास रफ्तार है, विकेट टेकिंग डिलीवरी आपके पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पैट कमिंस के, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं आपका, उसमें आपने बोला था कि पैट कमिंस से बहुत कुछ सीखने को मिला है केकेआर में जब दोनों साथ में थे, तो क्या क्या बातें होती थी, क्या सिखाते थे पैट कमिंस आपको एज ए मतलब फास्ट बॉलर? हाँ, जब मैंने उनसे पूछा था कि मतलब जो भी वो उनका एक देखना आपकी उनका एक फिंगर है वो बहुत छोटा है, तो मैं उनसे नॉर्मली पूछ रहा था कि आप इससे कैसे बोल रहे थे, वो बोले कि इससे मुझे हैबिट हो गई है ये वो, तो मैं उनसे फिर पूछने लगा कि आपका स्लोअर बॉल कौन सा है, फिर आप कौन सी स्लोअर बॉल डालते हो और क्या चीज़ आपके लिए मतलब अच्छी रहती है, जैसे है होता है कि सारे जो भी बॉलर्स रहते हैं सबका अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं होता है कि जो वो डाल रहे हैं वही चीज़ मैं डाल सकता हूँ, सबका अलग अलग होता था, उनने भी यही चीज़ बोली कि सबका एक्शन अलग होता है, सब चीज़ अलग होती है, बट हाँ आप किसी से गाइड मतलब पूछ सकते हो कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ जो चीज़ मेरे से हो रही हो आपसे भी हो, बट हाँ जो भी मैं उनसे चीज़ पूछता था कि आप ये बॉल अंदर जो डालते हो कैसे डालते हो, जो बाहर है वो कैसे डालते हो, उसका सेम पोजिशन कैसा है, तो वो सब चीज़ मैं बातचीत करते रहता उनसे कि आपका स्लोअर बॉल कौन सा है, तो वो चीज़ मुझे बताते थे, वो काफ़ी काफ़ी अच्छा था उधर। जी बिल्कुल, और कमलेश भाई मेरा अगला सवाल शिवम माबी को लेकर है, देखिए मेरा मैं पर्सनली बहुत ही मतलब अटैच हूं उनसे क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसे हैं, शिवम माबी के साथ जो आपकी दोस्ती साल 2018 से शुरू हुई थी, शायद पहले से भी हुई होगी लेकिन दुनिया ने 2018 में आपकी जोड़ी को देखा था, और केकेआर में भी आप लोगों ने बहुत समय साथ में बिताया है, साथ में बहुत कम खेले हो आप दोनों, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है क्योंकि ऑफ द फील्ड और मैदान के अंदर? हमारी बहुत अच्छी है क्योंकि ऐसा रहता है कि हम कहीं भी जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो ऐसा रहता है कि अब जब अंडर हम जो 2018 में हम अंडर वर्ल्ड कप थे उससे पहले हमारे मैचेस होते थे तो हम बाहर जाते थे कहीं पर भी तो हम साथ ही रहते थे, तो ऐसा रहता है कि एक जब मतलब हम रूममेट्स भी थे तो बहुत सारी बातें शेयर हो जाती हैं और जो बॉन्ड रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो यही है कि जब भी हम कहीं पर भी जाते थे कहीं भी मुझे ऐसे जाना होता था तो मैं उसको हमेशा साथ में लेके जाता था, वो कभी जाता था तो मुझे साथ में लेके जाता था, तो वही था कि धीरे धीरे जो हमारी बॉन्ड थी वो बहुत अच्छी थी, सेम वही हम ग्राउंड में भी आप देखोगे कभी या फिर आपने देखा होगा तो कभी कोई भी प्रॉब्लम होती थी या फिर उसको ऐसा था कि मैं ये बॉल नहीं डाल पा रहा हूँ ये चीज़ में सिचुएशन में नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मैं उसको बताता था, और जैसे ही मेरे साथ कुछ नहीं होता था वो भी मुझे बताता था, तो ये हमारा जो
ऑफ द फील्ड और इन द फील्ड था वो बहुत अच्छा पॉइंट था। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं शाहरुख खान के बारे में पूछना चाहूंगा, जो केकेआर के ओनर है, किंग खान है, सभी जानते हैं कि एक उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया था शिवम मावी ने, कि जब केकेआर कोई मैच हार गई थी तो वो और शुभमन गिल साथ में बैठे हुए थे, शाहरुख खान आए, वो उदास थे, तो शाहरुख खान ने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, मतलब जिस तरीके से उनको मोटिवेट किया युवा खिलाड़ियों को, आपके साथ शाहरुख खान का इस तरह से कोई बातचीत हुई है कभी, या शाहरुख खान के साथ कोई किस्सा बताना चाहेंगे आप? हाँ, एक था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसा था कि मैं खाना खा रहा था, मतलब मेरे मैं मैच खेल के आ रहा था, तो मेरे बैक में प्रॉब्लम हो रही थी, उसी टाइम मेरे इंजरी हुई थी, तो मैं नॉर्मल खाना खा रहा था, वो पार्टी में आए थे उस दिन, हमारी जो मैच रहता है उसके रात को पार्टी रहती है, तो उस दिन पार्टी में आए थे, पर मेरे बैक पेन था, मैं थोड़ा अपसेट था, तो उन्होंने मुझे उठाया कि क्या हुआ तुझे, क्यों इतना परेशान है, तो मैंने बोला सर ऐसे ही बस मन नहीं लग रहा मेरा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है जो भी चीज़ हुई है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चल खड़े हो और मेरे साथ डांस कर, तो हमने मैंने रसने और शुभमन ने एक वीडियो था, हमने डाला भी था, तो वो वीडियो तभी का था, उन्होंने मुझे उठाया, बोला कि मेरे साथ डांस कर, जो मैं स्टेप करूँगा वो तू स्टेप करेगा, तो वो मूवमेंट मेरा लाइफ टाइम एक था, मेमोरेबल मूवमेंट था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए जो खास मोमेंट होते हैं वो तो हमेशा दिल के पास रहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने राहुल द्रविड़ के साथ बड़ा वक्त बिताया है, जब अंडर 19 खेले थे तब राहुल द्रविड़ आपके साथ थे, उसके बाद में एनसीए में राहुल द्रविड़ आपके साथ थे, और अब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बन चुके हैं, तो क्या कुछ बातें होती हैं कभी, या फिर क्या उम्मीद आप रखते हैं भविष्य के लिए? हाँ, मेरी बातें होती हैं उनसे कभी, मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर मुझे कोई चीज़ पूछनी होती है तो वो हमेशा वो बताते हैं मुझे, तो मैं व्हाट्सएप उनको टेक्स्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे कभी भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है या फिर मुझे उनसे कुछ चीज़ पूछनी होती है। तो यही था लास्ट टाइम मैंने उनको मेरी उनसे उनके बर्थडे पर बात हुई थी, और लास्ट टाइम एनसीए में बात हुई थी, तभी बात हुई थी, और वो मुझे मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ रहती है, मतलब मैं उनसे कोई भी चीज़ पूछता हूँ तो मतलब होता है कि बताने का जो तरीका होता है उनका, वो हमेशा एक मोटिवेट करते हैं किसी प्लेयर को, अगर आप उनसे कोई भी चीज़ पूछते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, जो उनका बोलने का तरीका है, जो जो उनकी बातें हैं वो सुनने बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो बिट्टू जी, आपका बार्मर से, तो मेरे एक सवाल है आपसे, ठीक है, बार्मर से आपका जो यहाँ तक का सफर है कितना मुश्किल भरा रहा, और पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, ये बताइए। अब किधर से बोले, बाड़मेर से? बाड़मेर से हाँ मैं बोलूँगा, बाड़मेर से भी एक ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं थी तो मैंने बाड़मेर से स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छा टाइम था जब मैं बाड़मेर से स्टार्ट किया था, तो मेरा जो सीज़न थे 14 और 16 के और 19 के काफ़ी अच्छे गए थे, वो मेरे वहीं से मेरे स्टार्ट जो सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था अंडर 16 अंडर 14 का, वहीं से हुआ था, तो मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बाड़मेर जाता था बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी उधर, और रहने का भी कभी कभी रहता था कि जो वहाँ पर रहने की फैसिलिटी थी वो कभी कभी सही नहीं रहती थी, बट फिर भी हमको रहना पड़ता था, क्योंकि ये था कि उस टाइम पे आपके पास कोई और चीज़ होती नहीं है, कोई और ऑप्शन होता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा वहाँ पे, क्योंकि अभी तो इतना जो अब जब खेलने लग जाते हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब स्टार्टिंग में आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो ये सब चीज़ एक मैं ही नहीं, जितने भी जो भी प्लेयर हैं सब ने ये चीज़ फेस की होगी, तो काफ़ी अच्छा टाइम था, जो मेरे फैंस हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मतलब लाइफ में जब भी प्रॉब्लम हुई है, और जब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, और मुझे हमेशा मतलब एक तरीके से अच्छी बातें बोली हैं, मुझे मोटिवेट करके सही ये सब चीज़ बताया कि आप आगे खेल सकते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरे फैंस मुझे इतना मोटिवेट करते हैं और मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल कमलेश भाई, देखिए हम सब ने आपका स्ट्रगल देखा है, सब कुछ पढ़ा है, क्योंकि मुझे वो भी किस्सा याद है जब आप कपड़े के गेंद को बनाकर प्रैक्टिस किया करते थे बचपन में, तो तमाम मेहनत करके आपने कामयाबी हासिल की है आज। लेकिन चलते चलते अब आखिरी तीन सवाल आपसे हम पूछेंगे, और उम्मीद करूंगा कि जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ उसका आप
दिल से जवाब देंगे और मतलब दिल से देंगे दिमाग से दिमाग से नहीं यार दिल से जवाब देंगे। देखिए आईपीएल 2022 का ऑप्शन अब आने वाला है और जाहिर तौर पर सभी को पता है कि तेज गेंदबाजों पर खासतौर पर भारतीय तेज गेंदबाजों पर सभी की नजर होगी, उनमें से आप भी एक हैं, जिस तरह की रफ्तार आपके पास है, आप विकेट लेना चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, किस टीम में जाना चाहते हैं 2022? क्योंकि देखिए इसमें मैं एक ऐड और कर देता हूँ कि देखिए मुझे पता है ऑक्शन में आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको भी नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे, कौनसी टीम खरीदेगी, लेकिन अंदर से पता ना कि यार मेरी फेवरेट टीम ये है या मेरा फेवरेट कप्तान ये है, धोनी खेल रहे हैं, विराट खेल रहे हैं, अलग अलग टीमों में, तो एक जो फेवरेट टीम है वो कौन सी फेवरेट टीम है जिसमें चले जाओगे तो आप समझोगे कि यार ठीक है मजा आ गया, मजा हो गया। मेरे हिसाब से मैं हमेशा केकेआर का नाम लूंगा, अगर ऐसी अगर आप कोई भी ऐसे में से पूछेगा तो हमेशा केकेआर के लिए बोलूंगा, क्योंकि जो मेरा बॉन्ड है वहाँ पे और जो मैंने वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है, जो भी प्लेयर्स थे वहाँ पे, जो स्टाफ था, तो काफ़ी अच्छा टाइम था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे रह के। कभी भी ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मैं मतलब जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया और काफ़ी 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 अच्छा टाइम था। तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलूँगा कि मैं जब भी जहाँ भी जाऊँगा, अगर मुझे नहीं पता कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बट अगर केकेआर में जाऊँगा तो मेरे लिए वो बेस्ट था, बेस्ट। बिल्कुल, और कमलेश भाई इस बार तो आपने आप बहुत हम लोगों को इंतज़ार कराया था, राजस्थान की तरफ से आप बहुत सालों बाद डेब्यू किया था आपने और टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रहा था, विजय हजारे में भी रहा था और T20 में रहा था। अब राजस्थान की टीम में देखिए कई इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं और कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं अनिकेत चौधरी भाई जैसे जो पहले आईपीएल खेल भी चुके हैं, तो राजस्थान टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, क्योंकि पहली बार था कि शायद आपने इतना लंबा वक्त राजस्थान टीम के साथ बिताया हो? मेरी राजस्थान में ऐसा है कि मेरा सबके साथ अच्छा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं पहले से ही जितने भी प्लेयर्स के साथ अभी मैं खेला हूँ मैं सबको जानता हूँ। वैसे हुड्डा भाई थे जो जिनको मैं नहीं जानता था क्योंकि वो प्रोफेशनली खेलते थे, हमारे तब से खेले हैं इस साल तो उनको ही जानता था, बट इस बार मैं उनसे ही मिला तो जो हमारी बॉन्डिंग है वो काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी बनी है। तो होप यही है कि हम लोग हमारा जो भी राजस्थान का टीम जो हमारी टीम है और जो हमारा बॉन्ड है वो कंटिन्यू रहे और जो हमारी जो हम टीम ने इस बार जो परफॉर्मेंस की है वो हम रेगुलर करते रहें, अभी क्योंकि टेस्ट मैचेस भी आ रहे हैं तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है कि जब भी आप एज ए टीम खेलते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहती है। अच्छा सबसे अच्छी बॉन्डिंग राजस्थान टीम में किसके साथ है आपकी, जो आपका मतलब कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड डिग्री जो भी है, सबसे अच्छा प्लेयर आपका फेवरेट मस्ती जिसके साथ आप करते हैं वो कौन है? ऐसे मैं जब भी कभी मुझे मस्ती करनी होती है तो मैं रवि बिश्नोई है उसके पास जाता हूँ और एक रजत भाई है, अब उन दोनों के पास मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जाता हूँ। अच्छा बिट्टू जी मेरा आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल है, चलो ये तो आप अपनी हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस हो और क्या टिप्स देना चाहोगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में, डाइट प्लान शेयर करोगे अपना? डाइट प्लान हाँ मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि मैंने भी अभी अपने जो भी मेरी डाइट है मैंने अभी डॉक्टर हैं बॉम्बे में एक उनको दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे जो भी डाइट है कि आप कैसे क्या लेनी चाहिए आपको आपकी बॉडी के हिसाब से क्या चीज़ सही है तो वो चीज़ मैं भी ले रहा हूँ। बताना तो यही चाहूँगा कि जो आपको मन करे वो खाओ अगर आप खा रहे हैं करो बस। जी बिल्कुल कमलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको स्पोर्ट्स फैक्ट में समय देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू हमने आईपीएल से पहले लिया है और जो अगला इंटरव्यू हम करें देखिए आईपीएल की जर्सी तो आपको मिलेगी इसमें तो कोई दोराय नहीं है, लेकिन अगला इंटरव्यू हम चाहते हैं आपका टीम इंडिया की जर्सी में हो और वक्त लेके आपसे हम बातचीत करें, तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।